हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल, अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 9 के बारे में बात कर रहे थे, जो कि हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। तो उसमें हम दो टॉपिक को कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं और 7 से ज्यादा वीडियोज में आपको दे चुका हूँ, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक पे, जिसका नाम है रोबोटिक्स। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं रोबोटिक्स के बारे में। अभी हम दो टॉपिक को खत्म कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिकी खत्म हो गया और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं अपने रोबोटिक्स वाले टॉपिक, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं रोबोटिक्स के नाम पर। देखिए, रोबोटिक्स बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा नेम से कि भैया रोबोट से रिलेटेड है, बिल्कुल। तो एक ऐसा रोबोट बेसिकली आप किसको बोलते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि किसी अपन बंदे को भी रोबोट बोलते हैं कि यार ये तो उसके हाथ की कठपुतली है, हिंदी में बोल दिया, ठीक है। बाकी नहीं तो हम उसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या तुम रोबोट हो क्या? है बिल्कुल, जैसा जैसा वो बोलता जाता वैसा वैसा करते जाते हो, रोबोट हो क्या? इसका मतलब क्या है कि समथिंग गुलाम टाइप कुछ साउंड हो रहा है, मतलब वो गुलाम है, मतलब जैसा आप उसको बोलेंगे वो वैसा करेगा। यस, दैट्स द मीनिंग ऑफ रोबोटिक्स, दैट द रियल मीनिंग ऑफ रोबोटिक्स। बंधुआ मजदूर, आप जैसा बोले आपका गुलाम, ठीक है। ओके, तो रोबोट बेसिकली कैसा होता है कि चेक के लेखक है कारेल कापेफ। क्या नाम है? चेक जो है ना देश, वहां के एक लेखक है कारेल कापेव। उन्होंने अपने नाटक में RUR रोसुन के यूनिवर्सल रोबोट्स 1920 में उनका एक नाटक हुआ था, उसमें उन्होंने बिल्कुल ह्यूमन के जैसे काम करने वाली एक स्वचालित मशीन की कल्पना की और दिखाया उस नाटक में, ठीक है। तो तभी से हमने सोचना स्टार्ट किया। रोबोटिक्स अमेरिकी लेखक आइसेक आसिमोव ने 1942 में अपनी एक बुक लिखी थी रन अराउंड में। क्या बोला कि एक एक फील्ड है पूरा रोबोटिक्स। कब से? 1942 में आइसेक आसिमोव एक अमेरिकी लेखक है, उन्होंने अपनी एक बुक है, बुक का नाम है रन अराउंड, उसमें रोबोटिक्स को एक ऐसा फील्ड दिखाया कि कंप्यूटर साइंस की और एंड इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है रोबोटिक्स। इसमें रोबोट का डिजाइन होता है, इसमें रोबोट का कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होती है, रोबोट कैसे चलाना है उसका ऑपरेशन होता है, रोबोट के यूज है वो हम चीजें देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसके विकास के बारे में बात करें तो मैंने क्या बोला, 1920 में जब वो नाटक में आया सबसे पहले, तब हमारे दिमाग में कल्पना हुई कि यार हम भी तो कुछ ह्यूमन के जैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रोबोट शब्द का इस्तेमाल उसी नाटक में किया गया। फिर 1954 में जॉर्ज डॉबेल ने, जो रोबोट उसके रोबोटिक्स के फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ रोबोटिक्स, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको बोलना है जॉर्ज डेबोल। आई अगेन रिपीट, फादर ऑफ रोबोटिक्स जॉर्ज डेबोल। ओके, एंड जोसेफ एंगेलवर्गर, ये रोबोटिक्स के जनक हैं, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट आता है कि इसमें मतलब इनके द्वारा बनाया गया यूनिमेशन कंपनी के द्वारा पहले व्यावसायिक रोबोटिक का निर्माण इन्होंने किया था। अगेन रिपीट, जॉर्ज डेबोल एंड जोसेफ एंगेलबर्गर, इन दोनों ने बनाया था यूनिमेशन कंपनी के अंडर में, ठीक है, पहला कॉमर्शियल रोबोट। अब यूनिमेशन क्या है? तो भैया वर्ल्ड की पहली रोबोटिक कंपनी है और ये किसके अंडर में है? जनरल मोटर्स की न्यू जर्सी फैक्ट्री में लगाया गया था। ये जनरल मोटर्स वही मोटर्स है, यूएस की कंपनी है। जनरल मोटर्स के नाम से सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब बेसिकली क्वेश्चन अभी तो नहीं पूछा जाता, वो उस टाइम पर पूछा गया था क्योंकि उस टाइम पर अमेरिकी प्रेसिडेंट की गाड़ी बहुत चर्चा में रहती थी, ठीक है। तो उस टाइम पर एक बार जीके का क्वेश्चन आया था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट, वो भी ऐसी फर्जी एग्जाम, मतलब ये कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं था, ऐसे फालतू के एग्जाम नहीं होते, अपने वो शहर में होते हैं, ठीक है, वो शहर के लेवल पे कोई फलानी ज्ञान प्रतियोगिता वो उस टाइप के। तो उसने पूछा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की गाड़ी किस कंपनी के द्वारा बनाई गई होती है, तो जनरल मोटर्स की बनाई गई होती है। तो जनरल मोटर्स ऐसे फेमस कंपनी है, बड़ी कंपनी है। 1972 में वेबोट 1 वासेदा विश्वविद्यालय द्वारा पहला पूर्ण पैमाने पर ह्यूमनॉइड बुद्धिमान रोबोट और एंड्रॉइड, ठीक है। कब? 1972, वेबोट 1 वासेदा विश्वविद्यालय द्वारा पहला पूर्ण पैमाने पर ह्यूमनॉइड बुद्धिमान रोबोट। ह्यूमनॉइड बुद्धिमान रोबोट का मतलब होता है कि लगभग ह्यूमन के जैसे सोचने वाला, ठीक है, बाकी सोच नहीं सकता रोबोट, लॉजिक लगाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद 2016 में आपने देखा होगा सोफिया बहुत ज्यादा चर्चा में थी, ठीक है। डेविड हैसन हांगकांग द्वारा इसका आविष्कार किया गया, पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट है, सऊदी अरब का पहला रोबोट नागरिक है। अब पहला AI मतलब, AI मतलब क्यों बोल दिया हमने इसको AI ह्यूमनॉइड? AI ह्यूमनॉइड मतलब मैंने आपको ऊपर वाले में क्या बोला कि
कि बुद्धि नहीं होती रोबोट में, वो लॉजिक लगाता है। ठीक है, तो पहले वाले में उन्होंने बोला ह्यूमनॉइड बुद्धिमान रोबोट। बुद्धिमान रोबोट मतलब आपने उसको जितना बोला है ना वो उतना करके दे देगा, मतलब फॉलो कर रहा, मतलब बुद्धि मतलब समझ रहा है चीजों को। ठीक है, फिर उन्होंने बोल दिया कि समझना तो चलो ठीक है, अब ये एआई है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है उसमें, इंटेलिजेंस भी है। तो इंटेलिजेंस मतलब ये क्या कर पा रहा है कि जैसे हमने उसको क्या सिखाया है कि मान लीजिए दो चीजें हमने उसको सिखाई हैं, तो वो उन दोनों में ना उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर डले कि उन दोनों का लॉजिक निकाल के वो तीसरा काम भी कर पा रहा है। ये जो चीज हमने उसको सिखाई है कि जैसे सपोज आपने उसको सिखाया है कि 2 + 2 होता है 4, ठीक है, और फिर आपने दूसरी जगह उसको सिखाया है, आपने 3 से टेबल स्टार्ट किया है कि 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, आपने 3 का टेबल बताया, उसको 2 का टेबल नहीं बताया, ठीक है, बट आपने उसको ये जरूर बताया कि टेबल मतलब होता है कि एक बार 3 का × 1 में, फिर एक बार 3 का × 2 में, फिर एक बार 3 का × 3 में, ठीक है, तो वो लॉजिक लगा लेगा कि अच्छा तो 2 का भी टेबल होता है फिर तो, ठीक है, तो 2 × 2, तो वो अपने आप बता देगा जबकि आपने उसको नहीं बताया। तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो दो जो लॉजिक आपने, दो जो कॉन्सेप्ट बताए ना, उन कॉन्सेप्ट से वो लॉजिक डिजाइन डेवलप कर पा रहे, तो उसको हम बोलते हैं रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। हालांकि ये बहुत कम चीजें कर पाता है। ठीक है, अगर हम बात करें रोबोट के घटक के रूप में कि क्या-क्या चीजें होती है, तो उसमें सबसे पहले तो एक पावर सोर्स होना चाहिए क्योंकि वो बिजली से चलेगा, उसके बाद एक एक्चुएशन होना चाहिए, एक्चुएशन मतलब जिससे वो चीजें समझेगा, उसके बाद सेंसर के वो उस मतलब वो इनपुट ले पाए, सेंसर मतलब इनपुट ले पाए, सेंस कर पाए, ठीक है, मैनिपुलेशन उस पर काम कर पाए कुछ, ठीक है, लोकोमोशन का मतलब होता है कि उसको आप जो काम किया है ना उसको आगे बढ़ा पाए, ठीक है, कंट्रोलर मतलब जो रोबोट को कंट्रोल करेगा, उसके बाद एनवायरमेंटल इंटरेक्शन एंड नेविगेशन, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन एंड नेविगेशन का मतलब होता है कि जैसे सपोज गर्मी पड़ रही है, तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई तो ऐसा नहीं है कि उसकी चिप बस्ट हो जाए, तो वो सब चीजें भी उसमें रहती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बहुत सारे लगे होते हैं, ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन होता है, रोबोटिक प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग पे ही सब कुछ चलना है, सॉफ्टवेयर है बेसिकली, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारे के सारे रोबोट के घटक हैं जिनके बारे में हम आगे बात करें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अगर हम शक्ति के स्रोत के बारे में, मतलब आपके पावर सोर्स के बारे में, तो पावर सोर्स में क्या होता है कि वर्तमान में जितने भी ज्यादा सॉरी जितने भी जितने सारे हमने रोबोट देखे हैं उसमें मैक्सिमम में बैटरीज का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसमें कौन सी नई बात है, ये बात है कि इसमें लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है। ठीक है, बट हो रहा है। ठीक है, तो कई अलग अलग टाइप की बैटरियों का उपयोग भी हम रोबोट के लिए कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कौन सी बैटरी, जैसे हम क्या करते हैं कि हॉट गैस से भी हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, तो भैया उससे भी उसकी भी जो बैटरी होती है वो भी हम यूज कर सकते हैं। हाइड्रोलिक्स मतलब वो लिक्विड वाली जो बैटरी होती है वो भी हम यूज करते हैं, सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, या फिर आपने देखा होगा विंड एनर्जी, चक्का ऊर्जा भंडारण मतलब विंड एनर्जी, ठीक है, कोई व्हील घुमाएंगे तो उससे एनर्जी बनेगी, या न्यूक्लियर एनर्जी, या किसी कचरे से एनर्जी मिल रही है हमको जैविक कचरे से, ठीक है, तो इस टाइप की बैटरीज का भी हम इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि उसके कनेक्शंस, प्रवर्तन मतलब होता है बेसिकली नेटवर्क, उसके कनेक्शंस, तो जो कनेक्शंस है ना, जो वायर्स उसमें बहुत सारे लगे होंगे, जो कनेक्शन होगा, जो कनेक्टिविटी होगी, कुछ डिवाइसेस से भी कनेक्ट होंगे आपस में, तो ये रोबोट की मांसपेशियां होती है जो कि उसमें बैटरी में जो एनर्जी है उसको सपोज उसके हाथ में भेजना, उसके हेड में भेजना, उसके लेग्स में भेजना, वो सब चीजें, तो एक संचित ऊर्जा को काम में कैसे कन्वर्ट करेगी, वो प्रवर्तन है, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये वायर्स के थ्रू होगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर होगी और बहुत सारी छोटी छोटी सी आपको रजिस्टर कैपेसिटर इन सब का इस्तेमाल करना होगा, तो बहुत सारे इसमें आपको सर्किट्स लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सेंसर, सेंसर का मतलब होता है कि जिसमें वो सेंस कर पाए, तो आसपास का जो एनवायरमेंट है, गर्मी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, या फिर किसी ने उस पर शाउट किया है मतलब चिल्लाया है, कोई उसके सामने हंसा है, इन सब चीजों को भी सेंस कर पाते हैं। सारे रोबोट नहीं बोल रहा हूं मैं कि सारे ही रोबोट कर लेते हैं, हम उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हमने इस लेवल के रोबोट बना लिए हैं कि अगर आप उसके सामने गुस्सा दिखाएंगे तो वो उसकी भी आंखें रेड कलर की हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा होता है। तो आंतरिक भागों के बारे में वो सूचनाएं संग्रहित करते हैं, ठीक है, अपना एनवायरमेंट भी एनालिसिस कर लेते हैं। प्रचालक क्या होते हैं कि ये जैसे मान लीजिए उसको कुछ काम दिया है आपने, तो वो काम कर पाए, मतलब उसको आपने जैसे किसी भी चीज को लिफ्ट करने को बोला है कि भाई एक ग्लास उठा के दे दो, तो ये गुण रोबोट को कोई भी चीज उठाने में या खुद को मॉडिफाई करने में, सपोज
दौड़ने के लिए रेडी होना है तो थोड़ा सा झुकेगा वो, ठीक है, ये सब किसी चीज को खराब करने में, नष्ट करने में ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो रोबोट के हाथों को हम क्या बोलते हैं, एंड इफेक्टर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंड इफेक्टर्स, जबकि आर्म्स को प्रचालक, मैन्युपुलेटर कहा जाता है, ठीक। हाथ मतलब ये, ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ने एक नई पहल, टैक स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। अब ये जो डिड यू नो करके जो मैंने अपने नोट्स में चीजें एड ऑन की है ना, ये बेसिकली आपके क्वेश्चंस हैं, ये करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाले हुए हैं, बहुत मेहनत लगती है इसमें। टैक स्टार्टअप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, किसने स्टार्ट किया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ने, ठीक है। उसके बाद आती है गतिशीलता के बारे में, इनका जो गुण है रोबोट का, तो ये गुण बेसिकली रोबोट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मतलब मूवेबल है। तो बहुत सारे रोबोट क्या करते हैं कि वॉक कर सकते हैं, बहुत सारे रन कर सकते हैं, ठीक है। और हमने रोबोट में ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें, कहीं पर हम रोबोट में रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं, बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं, लेग्स का और विंग्स का, कुछ भी हम दे सकते हैं, ठीक है। सेलिंग रोबोट, क्लिम्बिंग रोबोट, स्केटिंग रोबोट, फ्लाइंग रोबोट, वॉकिंग रोबोट, जिस टाइप का रोबोट हमने बनाया उस टाइप की चीजें उसमें लगाएंगे। फिर आता है कंट्रोलर, कि ये बेसिकली क्या करता है, ये रोबोट के माइंड को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो जैसे डिजिटल कंप्यूटर रोबोट के लिए कंट्रोलर के जैसे ही काम करेगा, जो जो भी सेंसर से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, उसी के बेसिस पे रोबोट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसफर करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया पर्यावरण संपर्क और नेविगेशन, ये सेंस करेगा, क्या किस चीज को सेंस करेगा कि एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और उसको हमें बताएगा, ठीक, ओके। तो जैसे एनवायरमेंट मतलब एनवायरमेंट के चेंजेस भी, और आपने देखा होगा एक ऑटो ड्रिवन कार बन रही है, मतलब ऑटोमेटिक कार जिसमें आपको ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उसको कैसे पता चल रहा है कि कोई चीज आ गई। आपने बच्चों के खेलने की कार भी देखी होगी, जैसे ही उसके सामने कुछ आता है तो वो उससे टकरा के पीछे आती है, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करती है और चली जाती है। तो ये धीरे धीरे हमने वहीं से चीजें निकाली हैं कि हम भी तो बना सकते हैं बड़े लेवल पे, ठीक है, ओके। तो ये सारे उसके गुण होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रोबोटिक प्रोग्रामिंग के बारे में, तो बेसिकली रोबोटिक प्रोग्रामिंग क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, हमने बहुत सारी कोडिंग करके एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो रोबोट सॉफ्टवेयर कोडेड कमांडेड, या जो कमांड्स हम उसको देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसका एक सेट है जिसके बेसिस पर पूरा का पूरा उसका जो रोबोट का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो वर्क करता है। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोट तो क्या है, चीजों से मिलकर बना है ना, लोहे से मिलकर बना है, वायर से, प्लास्टिक से, इन सब चीजों से मिलकर बना है। तो आपको रोबोट, लोहे में दिमाग होता है क्या, आयरन पीस में दिमाग होगा, केबल जो होती है आपकी उसमें दिमाग होता है, नहीं होता। तो उसमें क्या भरेंगे हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही देंगे, ठीक है, किसके थ्रू देंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो रोबोट के पास खुद का दिमाग नहीं होता, रोबोट बनाते टाइम हम उसमें सॉफ्टवेयर ऐसे डालते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग ऐसी करते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिसीजन ले सके, बस यही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। इसी की हेल्प से एक रोबोट जो है वो बहुत सारी चीजों को समझने लगता है और उस पर रिएक्ट करने लगता है, बस इसी को हम बोलते हैं कि जो ये रोबोट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। रोबोटिक्स के नियम क्या होते हैं, तो रोबोटिक्स के नियम बेसिकली क्या है, अब ये रोबोटिक्स के नियम क्या है, बेसिकली क्या है, कल को हमने इतना डेंजरस रोबोट बना दिया कि वो किसी की हेल्प करने की जगह उसका मर्डर कर दे या किसी को कुछ हानि पहुंचा दे, तो इस टाइप के रोबोट्स बनाने से हमें बचना होगा। तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। क्या रूल्स बनाए हुए हैं कि रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे, रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञाओं का पालन किया जाना चाहिए, मतलब हमें ऐसा रोबोट बनाना है जो हमारी बात माने, ऐसा रोबोट नहीं बनाना है जो हमारी बात के अगेंस्ट काम करे, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर वो नाम बात नहीं मानेगा ना, तो इससे नियम भंग हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, वो फिर कोई भी एनिमी ऐसे रोबोट बना सकते हैं, दुश्मन हमारे देश के। रोबोट द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा खुद करना, बिल्कुल भैया, रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा खुद करनी है, ठीक है, कि रोबोट तो हमने बना दिया, अब ऐसा ना हो कि कल को वो हमारे सारे काम करने लगे तो हमारी तो वैल्यू ही नहीं बचेगी। जैसे आपको कभी कभी लगता होगा अपने घर में, यार हमसे तो बस काम करा लेते हैं, बाकी किसी को हमारी चिंता तो है ही नहीं, मतलब तुम रोबोट हो गए अपने घर में, ठीक है, तो कल के लिए तुमको भेज के, और वो अगर रोबोट रख लेंगे तो मम्मी अगले दिन से कह देंगे तुम्हारी जरूरत क्या, भाग जाए इधर से, भाग, रोबोट को तो हमें सिर्फ चार्जिंग पे लगाना है, उसको तो रोटी भी बना के नहीं देनी, मजा आ जाएगा मम्मी को, ठीक है।
हाँ लेकिन मम्मी अच्छी हमारी नहीं बोलेगी, आपकी मम्मी भी नहीं बोलेगी, लेकिन हाँ कहीं कहीं बोल भी सकते हैं, ठीक है, अगर आप ज्यादा मुंह चलाओगे तो। तो इस टाइप से हमें खुद अपने अस्तित्व की रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। ऐसे रोबोट नहीं बनाने हैं जो बिल्कुल कंप्लीटली हमें ह्यूमन को रिप्लेस करते हैं। उसके अलावा रोबोट के प्रकार के अगर देखें, बेसिस पर हम देखें, तो हमने उसको 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। एक टेक्नोलॉजी के बेस पर, दूसरा हमने उसके यूज कहाँ कहाँ होना उसके बेसिस पर, और तीसरा उसका मोबिलिटी क्या है, मतलब वो मूवमेंट किस टाइप से करेगा उसके बेसिस पर। तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अगर हम देखें तो ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब जो ह्यूमन जैसे होते हैं, नैनो रोबोट मतलब जो बहुत छोटे होते हैं। जरूरी नहीं है कि रोबोट आपको, पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं रोबोट बोलूं उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो इंसान के जैसे ही दिखेगा, ठीक है। आपने देखा होगा आप रिमोट कंट्रोल वाली एक कार लाते हैं बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रोबो कार, रोबोट वाली कार है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ना रिमोट से चलती है, तो रिमोट से तो चलती है ठीक है, बट वो रोबोट कार है, ठीक है, गॉट इट। अगर हम उसको आपका रिमोट भी हटा दें और फिर अगर हम उसको वैसे ही चलाएं, बस ऑन करके छोड़ दें और वो अपने आप डिसीजन ले कहाँ जाना किस साइड जाना, तो वो रोबो कार हो गई, ठीक है। हाँ तो जरूरी नहीं कि रोबोट, जब मैं बोलूं तो रोबोट का मतलब होगा कि एक इंसान जैसे ही आदमी। नैनो रोबोट छोटा वाला होता है, कंप्यूटर रोबोट कंप्यूटर जैसा होता है, ऑटोमेशन रोबोट मतलब जो किसी काम को ऑटोमेट कर दे, ह्यूमन की जरूरत ना पड़े, ऑटोनॉमस रोबोट होता है। उसके अलावा टेली ऑपरेटेड रोबोट जो आपको टेलीफोन पे बात करते हैं बोलते हैं ना कि आपने जिसका कॉल किया है वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें, तो ये जो बोला है ना ये टेली ऑपरेटेड रोबोट ने बोला, कोई बंदा नहीं बैठा है, बंदी नहीं बैठी। उसके बाद प्री प्रोग्राम्ड रोबोट जो होते हैं, पहले से हमने उसमें कुछ प्रोग्रामिंग की है फिक्स काम करने के लिए, वो ही करता है। ऑगमेंटिंग रोबोट होते हैं कि जो थोड़ा सा डायनेमिक काम करते हैं, ठीक है। मोबाइल स्फेरिकल रोबोट होते हैं, छोटे छोटे से स्वार्म रोबोट होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो रोबोट्स है ना, ये टेक्नोलॉजी के बेस पर हमने डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उसके यूजेस के बेसिस पर, कि अगर आप इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल रोबोट, घर में यूज कर रहे हैं तो डोमेस्टिक रोबोट, अगर आप उसको हेल्थ डिपार्टमेंट मतलब उसको अगर आप चिकित्सा में यूज कर रहे हैं तो चिकित्सीय रोबोट, सेना में यूज कर रहे हैं डिफेंस में तो डिफेंसिव रोबोट, अगर आप सर्विस करने के लिए सपोज होटल में आपने वेटर की जगह रोबोट रखे हुए हैं, ठीक है, या फिर आप स्पेस के काम के लिए रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, गतिशीलता के आधार पर स्टेशनरी रोबोट जो रुके हुए रहते हैं, पहिए वाले रोबोट व्हील्स पे जो चलते हैं, उसके बाद लेग्स वाले रोबोट, फ्लोटिंग रोबोट जो तैरते हैं, ठीक है, फ्लाइंग रोबोट जो उड़ते हैं, वो सब। अगर हम बात करें ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में, तो ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो हमारे बिल्कुल मानव शरीर के जैसे ही दिखते हैं, और इसमें देखिए इसका जो एग्जाम्पल है ओशियन वन, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, एटलस, नाओ, पैटमैन, रोबियर, पेपर, सोफिया, ये सब ह्यूमन के जैसे रोबोट दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं संवर्धित रोबोट, मतलब ये कुछ मॉडिफिकेशन वाले हैं, कुछ कुछ इन्होंने बड़ा किया हुआ है, ठीक है, कुछ एक्सटेंड किया हुआ है। तो संवर्धित रोबोट ये वर्तमान में मानव क्षमताओं को बढ़ाते, मैंने क्या बोला कि ये कुछ बढ़ाने वाले रोबोट है, ठीक है। ये उन जो हमारी जो हम नहीं कर सकते ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज अगर कहीं पर आग लगी हुई है, ठीक है, हम बिल्कुल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, हम आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, बट सपोज अगर हमें हमारे पास कोई एक ऐसा रोबोट है जिसको हम उस आग में भेज सकें और वो पिघले भी ना, हम जाएंगे तो हम तो जल जाएंगे, बट हम उस आग के बीच से उसको निकाल पाए, हम ऐसा कुछ कर दें, ठीक है, तो अगर वहां पर हमारी कोई कीमती चीज है या कोई बच्चा फंस गया या कुछ भी ऐसा है तो हम उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मानव क्षमता नहीं थी वहां पर जाने की, मानव नहीं कर सकता था, वो जल जाता, लेकिन इसने क्या किया, मानव क्षमता को बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक लिम्ब्स, ठीक है, मतलब ये एग्जाम्पल है प्रोस्थेटिक लिम्स, इस टाइप के जो रोबोट होते हैं जिसको हम बोलते हैं संवर्धित रोबोट। प्रोस्थेटिक लिम्स मतलब समझ गए आप, जो नकली हाथ लगा लेते हैं ना, वो जिनका हाथ कट गया तो नकली हाथ लगा लिया, नकली पैर लगा लिया, वो बिल्कुल अपने जैसे काम करता है, उसमें उंगलियां भी होती हैं, मूव करती हैं, तो वो प्रोस्थेटिक लिम्स है, ठीक है। उसके बाद टेलीफोर्नेटेड मानव द्वारा नियंत्रित यांत्रिक बॉट है, ठीक है, ये मैकेनिकल बॉट होता है पूरा, जैसे ड्रोन है, सबमरीन है, ये आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसे कंडीशंस होती हैं जहां ह्यूमन नहीं जा सकते हैं, ठंड है बहुत ज्यादा, तो हम वहां ड्रोन भेजते हैं और ड्रोन से हम मामले को देखते हैं।
उसके अलावा प्री प्रोग्रामिंग वाले जो रोबोट होते हैं, इसमें हम पहले से ही प्रोग्रामिंग करके रखते हैं कि भैया इसको ये काम करना है। सपोज नट बोल्ट खोलने वाले रोबोट सबसे ज्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। हम एक रोबोट का इस्तेमाल करते हैं जो फटाक से नट बोल्ट को ओपन कर देता है। उसके बाद आता है ऑटोनोमस रोबोट, मतलब इसमें थोड़ी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम मिला देते हैं, और ये जैसे हमारे घर की सफाई करने में या इंडस्ट्री में वर्कशॉप को साफ करने में काम आता है, ठीक है। तो इसको जैसे हमने एक बनाया हुआ ऑटोनोमस रोबोट जो खुद से डिसीजन ले सकता है, जैसे रूम्बा वैक्यूम क्लीनर, एक और आपने देखा होगा कि इस टाइप का रोबोट आपने अगर कभी एयरपोर्ट वेयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहां के टॉयलेट्स में लगा होता है, ठीक है। हाँ ऐसे, मैं यही नाम का नहीं होता और सारी खूबियां नहीं होती, बट कुछ कुछ चीजें उसमें होती हैं इस वाली, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटोमेशन रोबोट। ऑटोमेशन रोबोट मतलब ये चीजों को ऑटोमेट कर देता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिपीटेशन है, जैसे डेटा एंट्री, ठीक है। तो उस डेटा एंट्री के काम को कुछ नहीं करना है, एंट्री भरना है। तो एंट्री भरने का काम हम किससे करा सकते हैं? रोबोट से। और यही जो ऑटोमेशन रोबोट है ना, यही मैं डिजाइन करता हूं, ठीक है। देन आता है स्वार्म रोबोट। ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कई रोबोट्स होते हैं जो आपस में तालमेल से कोई काम करते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा रोबोट मिलकर आपस में काम करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वार्म रोबोट, गॉट इट। और ये बहुत ही ज्यादा इसको बोलेंगे स्किलफुल रोबोट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नैनो रोबोट, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और बहुत छोटे लेवल पर ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, नैनो बोट्स। माइक्रो रोबोट, ये नैनो से थोड़े से बड़े होते हैं, बट बेसिकली ये भी छोटे ही होते हैं, ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? आपकी ह्यूमन बॉडी में कहीं कुछ हमें डालना हो, जो बोल रहे हैं ना हम चिप लगा देंगे दिमाग में किसी भी व्यक्ति के, वो सब माइक्रो रोबोट है, ठीक है। अब बात करते हैं रोबोट के अनुप्रयोग के बारे में, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री में हम पूरा का पूरा एमपीपीएससी कोर्स कवर करेंगे, एंड अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हो तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, लाइक जरूर कीजिएगा।